इंडिया का एक ऐसा खूबसूरत जगह है जहाँ पे जाना हर ट्रैवलर का सपना होता है, और वैसे ही मेरा भी एक सपना था एक साइकिलिंग ट्रिप करना, वो भी एक ऐसे एडवेंचर भरे रोड पे जहाँ जाना हर किसी का सपना होता है। हम भी अपने इस ड्रीम को पूरा करने के लिए निकल गए एक एडवेंचर भरे रोड ट्रिप पे जिसका नाम है लद्दाख। अपनी इस लद्दाख जर्नी पर जाने के लिए हम अपने घर से निकल जाते रेलवे स्टेशन की ओर, और यहाँ आने के बाद हम सबसे पहले अपनी ट्रेन बोर्ड करते हैं। अपनी सीट पे बैठ करके इस खूबसूरत से नज़ारे को देखते हुए हम पहुँच जाते हैं इंडिया के सबसे खूबसूरत जगह जिसका नाम है कश्मीर। हाय, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह हो चुके, वैसे सुबह 7 बज चुका है अभी, पर मैंने आपको होटल के बाहर का व्यू नहीं दिखाया था कल रात को। मैं दिखाता हूँ आपको होटल्स के बाहर का व्यू। ये देखो, ये होटल्स के बाहर का व्यू है। वैसे रूम काफी अच्छा है। अभी हम जाने वाले हैं एक शॉप पे जहाँ से हम ब्यूटेन गैस वगैरह और भी कुछ सामान की जरूरत पड़ेगा तो हम लेने वाले हैं, और उसके बाद हम निकलेंगे सोनमार्ग की तरफ। आज तो वैसे सोनमार्ग तो हम पहुँच नहीं पाएंगे, पर उससे पहले हम देखेंगे जहाँ रुक पाएंगे वहाँ पे आज हम कैंप करने की कोशिश करेंगे रात को। अभी कुछ नहीं, थोड़ी देर बाद हम निकलेंगे। लाइटें वगैरह तो अभी गई हुई है, पर अभी सामान वामन पैक करके फिर निकलेंगे हम अपने आगे की जर्नी पे। ये हमारी साइकिल जो कि रेडी हो चुकी है, और यहाँ से अभी हम निकलते हैं अपने न्यू जर्नी पे। होटल चेकआउट करते ही हम अपने साइकिलिंग ट्रिप स्टार्ट कर देते हैं, और कश्मीर की इस खूबसूरत वादियाँ देखते देखते हम अपने इस जर्नी को कंटिन्यू रखते हैं। हमने इस ट्रिप को स्टार्ट किया था दोपहर के 12 बजे, तो हमने सोचा क्यों ना लंच कर लिया जाए, और लंच करने के बाद हम इस जर्नी को कंटिन्यू रखते हैं आगे की ओर, ताकि हम और भी खूबसूरत जगह एक्सप्लोर कर सकें। अभी 400 किलोमीटर है यहाँ से, और द्रास 117 किलोमीटर है, और सोनमार्ग अभी भी 55 किलोमीटर है यहाँ से। मुझे पीछे ब्रिज पे लगा कि 50 किलोमीटर होगा, पर अभी भी 55 किलोमीटर है यहाँ से सोनमार्ग। आज तो पॉसिबल नहीं है कि हम पहुँच पाएंगे, फिर भी जहाँ तक जा पाएंगे वहाँ तक हम जाएंगे। देन ये नज़ारे देखो यार, क्या क्या औसम नज़ारे यार। इस रास्ते में काफ़ी ब्यूटीफुल नज़ारे देखने को मिलते हैं, और इस साइड का व्यू देखो यार। एक चीज़ तो मानना पड़ेगा, कश्मीर में मौसम कब चेंज हो जाता है किसी को कुछ पता नहीं। वैसे ही मेरे साथ हो गया, यहाँ पे ज़ोरदार बारिश होना चालू हो गया, और बारिश में सबसे बड़ी परेशानी होती है कि हम एक स्टे करने के लिए जगह ढूंढ ले। मुझे एक जगह मिल भी जाती है, और यहाँ पे मैं निकल जाता हूँ इस छोटे से बच्चे के साथ अपना कैंप सेटअप करने के लिए। अभी हम सोनमार्ग से काफ़ी पीछे ही रुक गए हैं, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रहा था, इसलिए मैंने वीडियो वगैरह कुछ बनाया नहीं आज इतना। काफ़ी ज़्यादा ही बारिश हो रहा है, अभी भी बारिश हो रहा है, और उसी बारिश में मैंने टेंट लगाया। टेंट तो पूरा भीग चुका है, अच्छी तरीके से भीग चुका है। अभी थोड़ा धूप आने की वजह से थोड़ा सूख गया है, लेकिन देखो बारिश फिर से चालू हो गया है। ये देखो बूंदा बूंदा, और मैंने साइकिल वगैरह सब अंदर डाल दिया है, और इस रिवर के साइड में मैंने कैंप किया है आज। यहाँ पे विलेज है छोटा सा, और ये माउंटेन का व्यू देखो यार, और यहाँ पे हमने कैंप किया है। और बस कुछ नहीं, कुछ बनाने वाला मैं नहीं हूँ, ऐसा मैं सोच रहा हूँ कि मैं कुछ ना बनाऊँ, क्योंकि बारिश हो रही है, मैं कहाँ बार बार दौड़ूँ। तो कोई नहीं, मैं अंदर जाता हूँ, अंदर जा कर के थोड़ा रेस्ट करता हूँ, और साइकिल में दिखाता हूँ आपको। ये देखो, ये मैंने साइकिल अंदर डाल दिया, और इतना मैंने जगह रखा है सोने के लिए, और बस कुछ नहीं, साइकिल भी पूरा भीग चुका है, पानी पानी हो चुका है, पर जल्दी जल्दी मैंने सब अंदर डाल दिया, और योगा मैट भी भीग चुका है। तो कोई नहीं, अंदर जाते, काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रहा है यार, बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। मैं क्या करूँ, मैं खुद कन्फ्यूज़ हूँ, कुछ दिमाग में समझ नहीं आ रहा है, और इतना भीग गया ना, यहाँ पर ठंड लग रहा है।
ये योगा मैट मैंने 400 का लिया था आज ही श्रीनगर से, और बोला था फुल्ली वाटरप्रूफ है, पर देखो अंदर पानी गया है। अभी मैं सोच रहा हूँ रेस्ट करूँगा थोड़ा, वेफर्स वगैरह मैंने ला कर रखा है वो खाऊँगा और फिर सो जाएंगे। सुबह उठ करके आप लोगों को मिलूँगा, कुछ अभी नज़ारा दिखाऊँगा अगर बारिश छूटा तो। अभी ऑलमोस्ट शाम के 5:30 बज चुके तो अंधेरा भी होना चालू ही हो गया है। गाइस बाहर का नज़ारा देखो, ये रिवर, और टेंट पूरा गीला है अभी ऊपर से, और सामने देखो फॉग लगा हुआ है, माउंटेन्स के ऊपर बादल भरे हुए हैं, और ये नज़ारा देखो मॉर्निंग का। अभी थोड़ा धूप होने के बाद निकलूँगा यहाँ से, क्योंकि ऊपर में है ना पूरे बादल भरे हुए हैं, इसकी वजह से अभी निकलूँगा थोड़ी देर बाद। मुझे नहीं लगता अब मैं यहाँ पे रुक पाऊँगा, क्योंकि बोर हो चुका हूँ मैं यहाँ पे, और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अभी थोड़ा बहुत स्लो स्लो तो हो रहा है, मैं सोच रहा हूँ इसी में अभी मैं निकल जाऊँ। और देखो पानी कहाँ तक आ गया, अभी यहाँ तक ये पूरा पानी भर चुका है, अभी टेंट के नीचे पानी आ गया है, और अंदर नहीं आया है बट टेंट के नीचे आ गया है। और मैं सोच रहा हूँ अब यहाँ से निकलता हूँ, क्योंकि अब मेरे से नहीं बर्दाश्त हो रहा है, तो सामान वामान पैक करते हैं और यहाँ से निकलते हैं। अभी हमने कैंप हमारा उठा लिया, वहाँ पे हमने कैंप लगाया था, और ठंड इतना ज़्यादा है यार, मुँह से आवाज़ भी नहीं निकल रहा है काफ़ी ज़्यादा। और ये दो रिवर क्रॉस किया है अभी साइकिल लेकर के, ये वाला और वो वाला, और जूता पूरा भीग चुका है, आगे जा कर के जूते को ड्राई करना पड़ेगा। और ठंड भाई अलग लेवल का है सीरियसली, और अभी भी बादल बहुत सारे भरे हुए हैं, बारिश होगा ही होगा फुल चांस है। और ये देखो इधर का कैसा मौसम है। इस अभी यहाँ से मुझे चढ़ाना पड़ेगा साइकिल, और इस रास्ते से रोड पकड़ना पड़ेगा, उसके बाद आगे जाना पड़ेगा। तो चलते हैं अब यहाँ से आगे की तरफ, काफ़ी ज़्यादा ठंड है, ग्लव्स वगैरह में लगा करके निकलता हूँ। ओके चलो चलते आगे। सो है गाइस, अभी हम पीछे जहाँ पे कैंप लगाए थे ना वहाँ से अभी हम निकले हैं, देन अभी हम जा रहे थे आगे की तरफ गुंड की तरफ, और गुंड अभी भी यहाँ से 9 किलोमीटर है, और सोनमार्ग अभी 33-32 किलोमीटर और बचा हुआ है, पर बारिश जो है रुकने का नाम नहीं ले रहा है, थोड़ा स्लो स्लो अभी बारिश हो रहा है पर। और ये जो है ना खड़ी वाली चढ़ाई थी, इसको मैं उतर करके चढ़ा रहा हूँ, क्योंकि इस पर बैठने के बाद है ना नहीं चढ़ा पा रहा हूँ, क्योंकि सांस मेरा फूलने लग रहा है। और ये देखो ऐसे चढ़ाई करके ऐसे घूम करके ऊपर से ऐसे नीचे उतरना है, और ये व्यू देखो यार, नज़ारे इतना औसम है ना कि देखने के लिए खड़ा होना पड़ रहा है मुझे बार बार। ये व्यू देखो आप लोग, चलते आगे। ये सामने का माउंटेन देखो यार, क्या मस्त व्यू दिख रहा है, बादल जो दिख रहा है ना वो काफ़ी खूबसूरत सा दिख रहा है। और अभी इस पहाड़ के ऊपर है ना स्नो बर्फ है पूरे भरे हुए, और नीचे बादल है, देन यहाँ पे हम रेस्ट कर रहे थे, क्योंकि नीचे से 1 घंटे से मैं पैदल चल करके ऊपर तक आया हूँ, यहाँ पर अभी बैठ गया हूँ मैं। कोई नहीं, अभी यहाँ से हम आगे निकलते हैं, क्योंकि थोड़ा आराम कर करके निकल रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा थक रहा हूँ मैं इस रास्ते में, और मुँह से धुआँ निकल रहा है ठंड की वजह से। चलो कोई नहीं, हम जाते हैं आगे की तरफ, और हम सोनमार्ग की तरफ जा रहे हैं अभी भी, और काफ़ी टाइम लग रहा है क्योंकि चढ़ाई है, और मैं कब से साइकिल पैदल ही चल रहा हूँ अभी भी। चलो चलते आगे। सोनमार्ग से पहले ये कितना ब्यूटीफुल नज़ारा हमें देखने के लिए मिला, एक साइड में रिवर है, एक साइड में ये स्नो का एवलांच गिरा हुआ है वो दिख रहा है, क्या ब्यूटीफुल दिख रहा है यार। ये तो काफ़ी नीचे है, मैं यहाँ पे नहीं जाऊँगा, आगे वाला में जाऊँगा, क्योंकि आगे भी सब नीचे नीचे अभी बर्फ़ मिलेगा हमें रोड के साइड में। और ये हमारी प्यारी सी साइकिल है, देन ये व्यू देखो आप यार, ये माउंटेन के बीच में है, और ये रिवर का फ्लो देखो कितना ज़्यादा है। अभी यहाँ से सोनमार्ग 8 किलोमीटर और बचा हुआ है, और
अभी स्नो नीचे रोड पे आने लग गया आगे से, देखो साइड साइड में, और कुछ ऐसा नज़ारा है यार। इधर से हम चढ़ाई करके आए नीचे से, और ये अभी हमें ऊपर जाना है, और हम इस खूबसूरत से नज़ारे को देखते देखते पहुंच जाते हैं हम अपने डेस्टिनेशन पे, जहां हम आज की रात कैंप करने वाले हैं, जो कि सोनमार्ग। सोनमार्ग पहुंचते ही हम यहां पे रात को कैंप लगाते हैं, एंड यहां पे हमारे साथ हो जाता है एक हादसा। अब ये हादसा मैं आपको अगले वीडियो में बताने वाला हूँ। इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं, फिर मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग के साथ, नेक्स्ट एडवेंचर के साथ और नेक्स्ट व्लॉग के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।